शादी की फर्स्ट नाइट से ही मेरी सास नंदे बहुत टॉर्चर कर रही थी, क्योंकि उनको कम दहेज उनके अकॉर्डिंग मिला था, बल्कि मेरी अम्मी ने कम्प्लीट दहेज दिया था, लेकिन फिर भी उनके अकॉर्डिंग कम दहेज था। हफ्ते के अंदर ही मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली आ गई थी, क्योंकि उनकी जॉब दिल्ली में ही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग मैं नहीं थी, क्योंकि शादी तक सब कुछ ठीक था, बहुत खुश थे, लेकिन जब दिल्ली आने के बाद उनके अकॉर्डिंग मुझे शॉर्ट्स ड्रेस पहनने थे, जीन्स पहनना चाहिए था, क्योंकि मैं एक मुस्लिम ख़ानदान से हूँ, कंप्लीट निकाब में रहने वाली लड़की थी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं निकाब ना पहनूँ, जीन्स पहनूँ, शॉर्ट्स पहनूँ। निकाब उतार दिया उनके कहने पर, क्योंकि शादी की धुआं दिल्ली में आने के बाद ही वो निकाब नहीं चाहते थे, लेकिन मैं शॉर्ट्स नहीं पहन सकती थी, क्योंकि मेरी एक कपड़े उतारने की एक लिमिट थी, जीन्स टी शर्ट पहना मैंने, लेकिन मैं शॉर्ट्स पहन के नाइट पार्टी अटेंड करना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये मेरे कल्चर के ख़िलाफ़ था। उस बेसिस पे वो बहुत मार देते हैं, बहुत ज़्यादा मार देते हैं। कितने साल से मार रही है? ये मेरी शादी के 2 महीने तक वो ठीक रहे हैं, शादी के 2 महीने के बाद उन्होंने बहुत परेशान करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको यही लगता था मैं गंवार हूँ, देहाती हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं हूँ, उनको यही चीज़ें थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो पार्टियाँ होती थी उसमें लड़कियाँ इंग्लिश स्पीकिंग होती थी, ड्रिंक करती थी और बॉयज़ के साथ डांस एवरीथिंग, पर मैं नहीं थी उस हिसाब से, मेरा एक लिमिट होता है हर चीज़ का। तो उस बेसिस पे वो काफ़ी उनके अकॉर्डिंग कहीं भी जाना, बेइज्जत करना कि ये गंवार है, देहाती है, किसी भी पार्टी अटेंड करने के लायक नहीं है, बहुत सारी पार्टियों में वो अकेले जाते थे छोड़ के, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टैंड नहीं करती। उस बीच में वो हमेशा होता था, मेरी ससुराल वाले से भी टॉर्चर था कि डिवोर्स दे दो, क्योंकि वो तुमको नहीं नहीं उसके अकॉर्डिंग मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो तुम तलाक कब दिया और कारण क्या? तलाक 1 तारीख को दिया, 1st of September, 1st of September को तलाक दिया, क्योंकि उनका ये कहना था तलाक, क्योंकि तुम दे के चली जाओ, उन्होंने पहले तो बहुत कह रहे थे तलाक तलाक कि तुम मुझे नहीं रखना, तुम चली जाओ चली जाओ। अभी अपने अम्मी के घर आई हूँ, वो 1 तारीख को तलाक दे के घर से भागे हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। नहीं, आज अभी आप आए हैं, यहाँ मैं महिला आयोग आई हूँ, बस मुझे इंसाफ चाहिए।